أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو, मैं हूँ मोहसिन रजा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल. दोस्तों, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास शुरू की थी और आज उस सीरीज का हमारा तीसरा लेक्चर है. दोस्तों, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट. दोस्तों, हम क्लास 3 शुरू करने से पहले एक बार अपनी हमने क्लास 2 के अंदर जो एक्टिविटी की थी उसका सोल्यूशन देख लेते हैं. मुझे उम्मीद है सारे दोस्तों ने इस एक्टिविटी को सॉल्व कर लिया होगा और आप अपनी वो नोटबुक ओपन कर लें और आपने जो सॉल्व किया है उसको अपने सोल्यूशन के साथ जो मैं आपको बताता हूँ कंपेयर कर लें. दोस्तों, इसमें मेरा पहला क्वेश्चन था टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी वी कैलकुलेट. तो हम किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो. इसके बाद क्वेश्चन था द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द करंट लाइबिलिटीज. मैंने आपको बताया था कि जब हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो वर्किंग कैपिटल आ जाता है. इसके बाद क्वेश्चन था विच एसेट्स इंक्लूड इन करंट एसेट्स. कौन से एसेट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं करंट एसेट्स के अंदर. तो हमारे पास ऐसे एसेट्स हु हैव लिक्विडेट इन वन ईयर, जिनको जो है वो वन ईयर के अंदर लिक्विडेट हो जाएं, या वो एसेट्स हमारे जो इजीली कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएं वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं. आगे था वर्किंग कैपिटल रेशियोज इंक्लूड, कि वर्किंग कैपिटल रेशियोज के अंदर कौन सी रेशियोज आती हैं. तो इसके अंदर हमारे पास करंट रेशियो आती है, इसके अंदर हमारे पास क्विक रेशियो आती है, इसके अंदर हमारे पास कैश रेशियो आती है. इसके बाद क्वेश्चन था अ बिजनेस हैव टू मेन फॉर्म विच इंक्लूड. बिजनेस की कौन सी दो फॉर्म्स होती हैं. द फर्स्ट वन इज द ट्रेडिंग कंसर्न एंड द सेकेंड वन इज द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन था विच इन्वेंट्रीज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए कौन कौन सी इन्वेंट्रीज होती हैं. तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए जो इन्वेंट्रीज हैं वो है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स. इसके बाद क्वेश्चन था विच स्टेटमेंट शो द कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लो ऑफ द कंपनी. द कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज ऑफ द कंपनी. इसके बाद आखिरी क्वेश्चन था व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी. टू कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी वी हैव फॉलो द नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. जब हम करते हैं तो हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है. दोस्तों, ये तो था हमारी एक्टिविटी का सोल्यूशन. हम बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की जानिब, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग आज बात करने वाले हैं फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से. हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे प्लेयर या की पॉइंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट को. इसमें हमारे पास है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंशियल मार्केट. हम ना सिर्फ इन प्लेयर्स को देखेंगे जो हमारे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट को इफेक्ट करते हैं, बल्कि इनके जो फंक्शंस हैं उनको भी देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट. हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट जो है वो होता क्या है. फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हमारी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं दैट आर रिलेटेड टू द फाइनेंस, और ये जिस इन्वायरमेंट के अंदर अकर होती हैं उसको हम फाइनेंशियल इन्वायरमेंट कहते हैं. ऑल द बिजनेस आर अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल इन्वायरमेंट दैट कैन बी स्मॉल कंपनी आर लार्ज इंटरप्राइज. कि हमारी जितनी भी किस्म की कंपनीज हैं, चाहे वो छोटे लेवल की हों चाहे वो बड़े लेवल की हों, वो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट की वजह से जरूर इफेक्ट होती हैं. लॉट ऑफ की प्लेयर्स आर अफेक्टेड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो हमारे फाइनेंशियल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं. तो इसको तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है इनकी प्लेयर्स को. तो पहला जो हिस्सा है वो है कॉरपोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज. अब इसके अंदर कौन कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आती हैं. पहला जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है. इट नीड्स रूल्स एंड रेगुलेशन टू कंट्रोल द कंपनीज. इसके बाद जो दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो है SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. ये भी फाइनेंशियल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है. इसके बाद हमारे पास FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. इट कलेक्ट्स द टैक्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेसेस या ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट.
तो ये तीन हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो हमारी कंपनीज के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए जो है रेगुलेट करती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। और इनको हम विद इन डिटेल भी आज की ही इसी क्लास में देख रहे हैं, देखेंगे। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास हेड आता है वो है क्रेडिट कंपनीज। अब क्रेडिट कंपनीज क्या है? आर द कंपनीज हु प्रोवाइड फाइनेंस टू द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, के ऐसी कंपनीज जो आपको कारोबार शुरू करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें आपके पास तीन किस्म की जो है क्रेडिट कंपनीज हैं। इसमें कमर्शियल बैंक्स हैं, इसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, इसमें हमारे पास नॉन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद जो तीसरी हेड है हमारे पास, इसके अंदर आ जाता है जी फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमारे पास डिफरेंट मार्केट्स हैं, प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये सारी जितनी भी हमने कॉरपोरेशंस देखी हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखे हैं, ये सारे के सारे हमारे फाइनेंशियल एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। दोस्तों अब हम बारी बारी जो है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं और ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इन चेंजिंग द फाइनेंशियल एनवायरमेंट, उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा जी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब हम लोग जो है इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि ये कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है इन चेंजिंग द फाइनेंशियल एनवायरमेंट। तो दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पहला फंक्शन है वो है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग। रजिस्टर द न्यू कंपनीज, के आपकी जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं कंपनीज, वो चाहे न्यू है चाहे पुरानी है, वो सारी की सारी जो रजिस्टर्ड करता है इदारा, उसको हम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। इसके बाद जो सेकेंड फंक्शन है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, दैट इज सुपरविजन ऑफ द कंपनीज, कि ये आपकी जितनी भी कंपनीज रजिस्टर हुई हैं या जिनको लाइसेंस इशू किया है उनको सुपरविजन भी करता है। वो किस हवाले से? कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर देखता है कि कितने परसेंट जो है वो डेट है, कितने परसेंट जो है वो इक्विटी है, कितना जो है इनका शेयर कैपिटल होगा, कितना इनका अथोराइज्ड कैपिटल होगा, कितना इनका इश्यूड कैपिटल होगा, ये सारी जो सुपरविजन है ये करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद अगला जो फंक्शन है वो है अपेलेट बेंच का। अपेलेट बेंच क्या? रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट बिटवीन द कंपनीज, के कंपनीज जो ऑलरेडी वर्क काम कर रही हैं उनके दरमियान कहीं पर तसादुम भी आ सकता है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो एपिलेट बेंच का भी अख्तियार है, यानी वो दोनों पार्टियों को सुन के उनका आपस में कंप्रोमाइज भी करवाएगा। इसके बाद अगला जो फंक्शन है वो है इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड एजुकेशन, मेक इन्वेस्टर अवेयरनेस फॉर द इन्वेस्टमेंट, के ये लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम भी करवाते हैं ताकि लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करें शेयर के अंदर, स्टॉक्स के अंदर। इसके बाद अगला जो फंक्शन है वो है सपोर्ट इन्वेस्टमेंट, के ये बाहर से अगर कोई हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको भी सपोर्ट करते हैं, उसके कारोबार को भी सपोर्ट करते हैं। इसके बाद इस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आखिरी जो फंक्शन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ। जब सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम बना रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए सपोर्ट कर रहा है, तो इससे अल्टीमेटली हमारी जो कंट्री की ग्रोथ है या जो हमारे कंट्री का ग्रोथ रेट है वो भी अप होगा। तो ये सारे फंक्शन है जो बेसिकली परफॉर्म करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद दोस्तों हमने दूसरा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखा वो देखा हमने SBP यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज द बैंकर बैंक, ये हमारे बैंकर्स का बैंक है। इट रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल द बैंक एंड ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो हमारे बैंक है कंट्री के अंदर उन सब को कंट्रोल करता है। तो इसके भी कुछ फंक्शन है तो हम उनको भी देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ द करेंसी, इट कंट्रोल द वैल्यू ऑफ द करेंसी, इट इफेक्टेड एवरी पीपल ऑफ द कंट्री। अब आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कदर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसे डॉलर के साथ कंपेयर करते हैं तो जब डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो उससे हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू मतलब कम हो जाती है। तो ये जो करेंसी की वैल्यू कम होना है या ज्यादा होना है ये कंट्रोल कर रहा होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो चेंजेस आती हैं करेंसी की वैल्यू के अंदर या डॉलर जब ज्यादा होता है तो इसका जो इफेक्ट है ना सिर्फ इदारों के ऊपर पड़ता है बल्कि जो आम लोग हैं उन पर भी पड़ता है। तो इन सारी चीजों को जो है वो कंट्रोल करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद जो दूसरा है इसका फंक्शन है इश्यूएंस एंड सर्कुलेशन ऑफ मनी। अब ये नाम से ही जाहिर है
कि द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशुएंस एंड सर्कुलेशन ऑफ द मनी, कि आपकी कंट्री के अंदर कितने नोट इशू होंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 2021 की, तो हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो जो है एक कोशिश कर रहा है कि एक जो है आपकी प्लास्टिक की करेंसी इंट्रोड्यूस करवाए। तो ये बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम है। और आपके मुल्क के अंदर कितनी सर्कुलेशन है, कितनी मिकदार के अंदर जो है वो पैसे गर्दिश कर रहे हैं, ये भी कंट्रोल जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है। इसके बाद अगला जो है द गवर्नमेंट बैंक। अब गवर्नमेंट का बैंक इसको हम क्यों कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी मामलात हैं वो उनको भी कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल जो आपके यूटिलिटी बिल्स हैं वो कलेक्शन जो है वो उसकी जिम्मेदारी है, टैक्स की कलेक्शन है वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा हो जाते हैं। सम टाइम जो है स्टेट बैंक आपकी गवर्नमेंट को एडवाइसेस भी दे रहा होता है कि जी आप करेंसी जो अप हो रही है, डॉलर का रेट अप हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का भी बैंक है। इसके बाद अगला जो फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। जब भी हमारे मुल्क के अंदर कोई करेंसी इशू की जाती है तो उसके अगेंस्ट जो है कुछ रिजर्व रखे जाते हैं। वो कैश की सूरत में भी हो सकते हैं, वो आपकी कमोडिटी की सूरत में भी हो सकते हैं। अब ये जो रिजर्व रखे जा रहे हैं इनकी जो कस्टोडियन है, इनको जो समझ लें चौकीदार है, वो भी हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है। इसके बाद है लेंडर ऑफ लास्ट रिजर्व। अब लेंडर ऑफ लास्ट रिजर्व का मतलब कि आखिरी सहारा जो है बैंक्स का। अब हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे जो बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक वो काम कर रहे हैं। अब जब उनको पैसों की जरूरत होती है तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो है वो पैसे मंगवा लेते हैं, अपने जो उनके पास डिपॉजिटेड हैं उनको जो कस्टमर बैंक में आया उस कैश को पूरा करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जब दूसरे जो सबऑर्डिनेट बैंक्स हैं उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो उनके लिए जो आखिरी सहारा होता है वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है। इसके बाद अगला जो फंक्शन है वो है क्लियरिंग हाउस का। अब क्लियरिंग हाउस क्या होती है, अब हम एक जगह से दूसरी जगह पे पैसे भिजवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मुल्तान से पैसे भिजवाए जी लाहौर, तो अब वहां पे जो है हमने चेक जमा करवा दिया। अब ये जो क्लियरेंस के मामलात हैं, चाहे वो आपके रिसिट्स के हवाले से हों, वसूलियों के हवाले से हों, चाहे वो आपके अदायगियों के हवाले से हों, तो वो जो क्लियरेंस है वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है। तो ये बेसिकली फंक्शन परफॉर्म करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद दोस्तों आखिरी जो चीज है वो है प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर इंटरेस्ट। अब लोग जो है बैंक्स के अंदर अपने पैसे रखते हैं, सेविंग अकाउंट के अंदर भी रखते हैं, अपने करंट अकाउंट्स के अंदर भी रखते हैं, और बैंक जो है वो उन्हें एक खास इंटरेस्ट रेट पे करता है। अब अगर कोई बैंक उनको इंटरेस्ट रेट पे नहीं करता तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो है वो रजू कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनके इंटरेस्ट जो उनको मिलना है या उनके जो मफादात हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों ये है बेसिकली फंक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, और ये जब वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो इट मींस कि दे आर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री। ये हमारे फाइनेंशियल एनवायरमेंट को भी इफेक्ट करता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो है FBR, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब इसके भी कुछ फंक्शन हैं जो वो परफॉर्म करता है। तो इसका पहला और अहम जो फंक्शन है वो है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी के अंदर के गवर्नमेंट के जो है आमदनी के जराए कौन से हैं और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे, अखराजात कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये जो पॉलिसी बनाता है ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के जितनी भी कलेक्शन है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है, और टैक्स की सूरत में, और फिर जो गवर्नमेंट अखराजात करती है वो भी वो कंट्रोल करता है। इसके बाद अगली जो चीज है वो है टैक्स कलेक्शन। अब टैक्स कलेक्शन के अंदर के जितना टैक्स लोगों को लगता है उन सारी जो कलेक्शन है वो FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है। ये हमारा पार्ट है फिजिकल पॉलिसी का। इसके बाद दूसरा जो एक पार्ट है इसके अंदर वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। अब आल्सो अरेंजिंग द फाइनेंस थ्रू टैक्स फॉर द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब गवर्नमेंट के भी कुछ अखराजात होते हैं, उनके ऊपर जो स्पेंडिंग है वो भी FBR के थ्रू मैनेज की जाती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है आखिरी वो है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स।
कि आपकी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट दैट आर विदाउट प्रॉफिट, कि कुछ आपकी जो पेमेंट्स हैं वो इस बिहाफ पे ट्रांसफर की जाती हैं कि उनके ऊपर आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, तो वो भी एफबीआर के थ्रू होती हैं, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के होती हैं। अब इसका एक और भी फंक्शन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमारे दो किस्म के टैक्सेस हैं, पहला जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका इनकम, जैसे टैक्स है, सेल्स टैक्स है, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हम लोग जो शॉपिंग करते हैं उसके ऊपर जो हमें टैक्स लगता है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये सारी जो कलेक्शन है ये भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है। इसके बाद आखिरी जो है वो एपिलेट ट्रिब्यूनल का है। एपिलेट का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि ऐसा इदारा जो आपकी अपील वगैरह को जो है सुन सके। तो अब इसके अंदर जो एपलेट ट्रिब्यूनल का काम है कि अगर किसी बंदे से ज्यादा टैक्स लिया गया है तो वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो है वो रजू कर सकता है, वो उस पार्टी को सुनेगी और फिर उस बिहाफ पे फैसला देगी। तो ये दोस्तों हमारे पास एफबीआर का काम है। दोस्तों हम लोगों ने जो हमारी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज थी उसके अंदर पढ़ा कि हमारे पास तीन रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हैं, एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और तीसरा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके बाद हमने एक और फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से पढ़ा। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली द मोस्ट फेमस मार्केट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इज द स्टॉक एक्सचेंज। हम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, इसमें हमारे पास जो है थ्री स्टॉक एक्सचेंज है। पहली कराची स्टॉक एक्सचेंज है, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है। अब जो है इन तीनों को मिला के जो है एक ही हमारी कंट्री के अंदर स्टॉक एक्सचेंज बनाई गई है जिसको हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज के भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो वो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के अंदर परफॉर्म करता है। वो फंक्शंस क्या हैं? अब हमारी जो मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट, ये दो किस्म की होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? प्राइमरी मार्केट के अंदर हम जो शेयर न्यू इशू करते हैं, जो कंपनी नई आती है, नए शेयर इशू करती है, तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर किए जाते हैं। वहां पे उनकी सेल एंड परचेज होगी और ऑनर खुद जो है, जो कंपनीज के ऑनर हैं, वो उन शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की, तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर आपके ओल्ड शेयर जो है वो इशू किए जाते हैं और ऑनर जो है वो उन शेयर्स को परचेज नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट हमने दो तीन किस्म की देख ली, स्टॉक एक्सचेंज है, प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इसके जो फंक्शंस हैं, ये जो फंक्शंस परफॉर्म करती है, वो अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो यहां पे फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें हमारा जो पहला फंक्शन है वो है लिस्टिंग ऑफ द कंपनीज, कि आपकी जो कंपनीज हैं, लिस्टिंग द कंपनीज एंड मेक अलाउ देम टू ट्रेड एट द स्टॉक एक्सचेंज, के आप कंपनीज को पहले जो है वो लिस्ट कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि फलां कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, इसका मतलब यह है कि दिस कंपनी हैव अलाउ टू ट्रेड द शेयर्स ऑफ देयर कंपनी एट द स्टॉक एक्सचेंज, के वो अपनी कंपनी के शेयर हैं वो उस मार्केट के अंदर खरीद कर सके या फरोख्त कर सके। तो ये है बेसिकली लिस्टिंग कंपनीज के हवाले। इसके बाद अगला जो फंक्शन है वो है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज से मुराद वही आपके शेयर हैं, कि अलाउ द लिस्टेड कंपनीज टू ट्रेड एट द स्टॉक एक्सचेंज, के जो आपकी लिस्टेड कंपनीज हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर सके। इसके बाद आखिरी जो फंक्शन है वो है डेटा पोर्टल का। अब डेटा पोर्टल क्या है? कि हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसकी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको डेटा पोर्टल अवेलेबल है डिफरेंट कामों के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप उस डेटा पोर्टल को यूज कर सकते हैं, आप जो है एनालिसिस के लिए भी उस डेटा पोर्टल को यूज कर सकते हैं, आप प्राइस चेक करने के लिए भी उस डेटा पोर्टल को यूज कर सकते हैं। तो ये भी बेसिकली फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का, जो वो परफॉर्म कर रही है थ्रू द वेबसाइट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट की बात की, उसके ऊपर जो फैक्टर या जो की प्लेयर इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट को, उसके अंदर हमने देखा कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। इसके बाद हमने देखा कि स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट भी उसको इफेक्ट करती है।
इसके बाद एक तीसरी चीज भी है कमर्शियल बैंक्स, जो इंशाल्लाह हम अपनी आइंदा आने वाली क्लास के अंदर विद इन डिटेल के साथ उसके ऊपर बात करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। दोस्तों आखिर में मैं आप लोगों को जो एक्टिविटी देता हूं उसके लिए आप अपनी नोटबुक ओपन कर लें, क्योंकि अगली स्लाइड पे जो है आपको आज की क्लास की एक्टिविटी यानी क्लास 3 की जो एक्टिविटी है वो नजर आ रही है। आप इसे राइट डाउन करें और अगली क्लास में आने से पहले इसे सॉल्व भी करें और मुझे चेक करवाएं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन। और दोस्तों हम एक बार क्विकली जो है वो अपनी आज की क्लास को समराइज करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की फाइनेंशियल एनवायरमेंट की। हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी फाइनेंशियल एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। उसमें सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, FBR है और फाइनेंशियल मार्केट है। आखिरी जो हमारा फैक्टर है या जो की प्लेयर है वो है नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसको हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाली क्लास के अंदर देखेंगे। और दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें जिनका ये सब्जेक्ट है, और कमेंट करके भी मुझे फीडबैक दिया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करता रहूं। और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं अगली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।